काम अतीक है लेकर दुर्गे चलते थे, आज आपको बता दें आज उसी प्रकार से अतीक और उसके भाई डरे हुए हैं। कल शाम को जब वो जेल में यहाँ प्रसिद्ध किए गए हैं। अतीक अहमद को ले जाएंगे, एमपी एमएलए कोर्ट ले जाएंगे, कचहरी में भी भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये नैनी सेंट्रल जेल है जहां पर भी ये जो है पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है जिससे उसको सुगमता के साथ सुरक्षित ढंग से एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचाया जा सके। ये नैनी सेंट्रल जेल है जहाँ पर भी ये जो है पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है जिससे उसको सुगमता के साथ सुरक्षित ढंग से एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचाया जा सके। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद पुलिस के आला अधिकारी उसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचेंगे जहां पर आज उसकी सुनवाई होनी है। उमेश पाल अपहरण के मामले में अतीक अहमद समेत उनके छोटे भाई और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आज सजा सुनाने का इंतजार कर रहे हैं उमेश पाल के घर के लोग। फिलहाल अगर अतीक अहमद की बात करें तो 1979 में अतीक अहमद ने पहली हत्या की थी जिसके बाद से आज इतने सालों बाद वो वक्त आया है जब अतीक अहमद और उसके साथियों को सजा सुनाई जाएगी। उमेश पाल के अगर परिजनों की बात करें तो उमेश पाल के परिजन उनकी जो पत्नी है जया पाल लगातार वो सरकार से और न्यायपालिका से गुहार लगा रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में जिन्होंने उनके निर्दोष पति को मौत के घाट उतारा है उनको ऐसी सजा मिले जो एक नजीर बने तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिलहाल हम प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में हैं जहां भारी सुरक्षा के बीच कुछ ही देर में पुलिस के आला अधिकारी अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट लेकर जाएंगे। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।